भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन जब ये 1920s में ऑब्जेक्टिविटी का आइडिया आया तो ये साइंस से आया, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विदाउट ऑब्जेक्टिव प्रोसेस फॉलो किए हुए नहीं हो सकता। तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी का आइडिया आया उसमें ये पाया गया था कि इट इज नॉट द जर्नलिस्ट बट हिज और हर रिपोर्टिंग मेथड शुड बी ऑब्जेक्टिव। मतलब हम ऑब्जेक्टिव नहीं है पर हमारा जो मेथड अगर ऑब्जेक्टिव है रिपोर्टिंग का तो हम सच तक पहुंच सकते हैं, सच्चाई को ट्रूथफुली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये जो तीसरी बात आई वो बैलेंस की, फिर फेयरनेस की बात आई, इम्पार्शियलिटी की बात आई कि हमें इम्पार्शियल होना चाहिए। और आज दुनिया भर में इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन गिर रहा है, रेवेन्यू गिर रहा है, क्या होगा उनका। यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट देख रहा था, अमेरिका में जो टेलीविजन के दर्शक है वो भी घट रहे हैं, तो इन मीडियम्स का क्या होगा। आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, आज ज्यादातर लोग न्यू मीडिया पर जा रहे हैं, क्या होगा इन माध्यमों का, ये एक बड़ा सवाल बनने लगा है। और आज ये बात सही है कि भारत में अभी भी न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, अभी भी दुनिया में सिर्फ दो देश ही हैं, चीन और भारत, जहां न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन 10% से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, पर ये हमेशा नहीं बढ़ेगा। अगले 30-40 साल तक भारत में न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन बढ़ेगा, टीवी चैनल्स का के व्यूअर्स बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ भी डिक्लाइन आना शुरू होगा। हमें अपने न्यूज़पेपर्स के कंटेंट में, उनके प्रेजेंटेशन में चेंजेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ आया, दीप जी ने हमें अंडमान के जितने भी अखबार निकलते हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स उन्होंने हमसे दिया, कहा कि आप देखिए इसको। और मेरे लिए भी ये जरूरी था कि क्योंकि आपने जब मुझे बुलाया तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अंडमान निकोबार।